नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 सितंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। बता दें कि सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। PFI पर केंद्र सरकार की सख्ती जारी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों को देश के लिए खतरा बताते हुए इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बैन को लेकर जारी आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी PFI को लेकर सख्ती जताई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर PFI पर कार्रवाई को लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली एडवाइजरी के अनुसार राज्य में ऐसे किसी भी संगठन जो देश के लिए खतरा हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। PFI उसके सहयोगी संगठन संस्थाओं को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। ऐसे में इन संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए राज्य में DG ATS, SOG पुलिस कमिश्नर, सभी जिला कलेक्टर, SP को अधिकृत किया गया है। ये सभी उच्च स्तरीय अधिकारी PFI और सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। जयपुर में एक महिला बिजनेसमैन से रेप का मामला सामने आया है। वह भीलवाड़ा से कपड़े खरीदने जयपुर आई थी। नए डिजाइन के कपड़े दिखाने के बहाने व्यापारी उसे एक मकान पर ले गया, जहां उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। प्रतापनगर थाने के SHO भजनलाल ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी 27 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस करती है। वह जयपुर के सांगानेर निवासी मुकेश से रेडीमेड कपड़े की खरीदारी करती रहती है। 18 सितंबर को वह खरीदारी करने जयपुर आई थी। मुकेश नए डिजाइन के कपड़े दिखाने के बहाने पीड़िता को भैरव सर्किल प्रतापनगर स्थित एक मकान पर ले गया, जहां उसके साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब घरेलू रसोई LPG गैस सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स हो गई है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही खरीद सकेंगे। एक साल में किसी भी ग्राहक को 15 सिलेंडर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में 2 सिलेंडर ही ले सकेंगे। ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अभी तक सिलेंडर पाने के लिए महीने या साल का कोई कोटा तय नहीं था। खबर के मुताबिक नए नियम के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों की संख्या 12 होगी। इसके ज्यादा अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी के सिलेंडर ग्राहकों को बिना सब्सिडी के ही खरीदने होंगे। सीकर जिले के सदर थाना इलाके में एक महिला ने अपने पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों का वीडियो बना लिया। जानकारी के अनुसार महिला ने पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों व ससुराल सहित मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला का दावा है कि उसके पति को उसने खुद दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके उसके पास वीडियो भी मौजूद है। मामले में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा उसने पति दिनेश व ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज चक्का को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नीरज चक्का गुरलाल बराड़ के हत्याकांड में शामिल था। वहीं बंबीहा ग्रुप ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब पुलिस को धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि अगर नीरज चक्का को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम अधिकारियों ने एक युवक को 25 लाख रुपए के गोल्ड के साथ पकड़ा है। गोल्ड तस्कर शारजहां से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट उतरा था। आरोपी ने नी बैंड में लिक्विड फॉर्म में 582.100 ग्राम गोल्ड छिपा रखा था। शक होने पर कस्टम अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की तो उसने पहले गोल्ड होने से मना किया, लेकिन जब कस्टम अधिकारियों ने उसकी जाँच की तो नी बैंड में गोल्ड लिक्विड फॉर्म में मिला। गोल्ड को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कस्टम अधिकारियों का कहना है कि आरोपी राजस्थान में सीकर का रहने वाला है।
वह शारजहां से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था। युवक को गोल्ड तस्करों ने टू बनाकर भेजा था। युवक को भी गोल्ड को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है। कस्टम अधिकारी युवक से पूछताछ कर रहे हैं। अजमेर के एक प्राइवेट स्कूल संचालक की ओर से कक्षा 3 में पढ़ने वाली मासूम छात्रा की पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोपी की होमवर्क नहीं करने पर बच्चे के हाथ पैर दूसरे बच्चों से पकड़वा कर बेरहमी से पिटाई की गई। बच्ची के चाचा की रिपोर्ट पर पेशांगन पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिचोलिया निवासी सोनू प्रजापत ने बताया कि उसकी 8 वर्षीय भतीजी याशिका गांव के ही फ्यूचर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ती है। होमवर्क नहीं करने पर स्कूल के संचालक पिचोलिया निवासी सुमेर सिंह राठौर ने बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि सुमेर सिंह ने उसके 2 बच्चों से हाथ पैर पकड़ाकर गीली लकड़ी से पैरों के नीचे बेरहमी से पीटा। इससे उसकी भतीजी बेहोश हो गई। उसे पुष्कर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से अजमेर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से सभी सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में मरीजों को देखने के समय में बदलाव किया जाएगा। विंटर सीजन की शुरुआत को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद 1 अक्टूबर से हॉस्पिटल में ओपीडी का समय सुबह 8 के बजाय 9 बजे से होगा। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में 1 अक्टूबर से वर्किंग डे के दिन ओपीडी में मरीजों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर देखेंगे, जबकि सरकारी छुट्टी और रविवार के दिन ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। ये समय अगले साल 31 मार्च तक रहेगा। इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC और PHC में भी हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान में ओपीडी के समय में बदलाव करते हुए आउटडोर एकल पारी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने का निर्णय किया है, जबकि सरकारी छुट्टी और रविवार के दिन आउटडोर समय सुबह 9 से 11 बजे तक ही रहेगा। पंजाब के लुधियाना के प्रेमनगर इलाके में देर रात स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक पुलिस मुलाजिम ने एक लड़की को गोली मार दी। इस घटना में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है, जो पुलिस मुलाजिम की प्रेमिका थी। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर स्थित एक गेस्ट हाउस में दोनों लिविंग रिलेशन में रहते थे। कल मनदीप कौर का जन्मदिन था और मोबाइल गिफ्ट को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि देर रात सुखविंदर सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से प्रेमिका को गोली मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले में क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर ठगी करने के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 1 लाख की ठगी की रकम वापस करवाई है। दरअसल 19 सितंबर को महेश चंद्र ने शिकायत करते हुए बताया कि वह उसने अपनी आवश्यकता के लिए SBI क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसके बाद उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया और कहा कि मैं SBI अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका थोड़े दिन पहले क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए थे, मैं आपको रिफंड करवा रहा हूँ। ऐसा बोलकर कुछ जानकारी ले ली और 1 लाख रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई शुरू की और पैसे होल्ड करवाए, जिसके बाद प्रार्थी के पैसे वापस रिफंड करवा दिए गए हैं।